लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय मंथन हो रहा है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं की बैठक जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर मंथन हो रहा है। दरअसल अलग अलग स्टेट को लेकर यह मंथन है और अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक ले चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। अगले एक दो दिन में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उसके बाद ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची कम से कम हर एक स्टेट के लिए आ ही जाए, जिसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और इसलिए मंथन दिल्ली में शुरू हो चुका है। दरअसल प्रदेश स्तरीय पहले बैठकें हो चुकी है कोर ग्रुप की, अब दिल्ली में मंथन हो रहा है। प्रदेश स्तरीय फीडबैक आ चुका है और साथ ही साथ अब दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, मंथन, कौन सी सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावेदारी जता रहे हैं उनकी दावेदारी में कितना दम है, पार्टी किसे उतारना चाहती है। लेकिन नजर इस पर भी कि पहले किस तरीके से सीटों पर मंथन हो रहा है, क्या हारी हुई सीटों पर, या फिर यह भी बेहद अहम है कि कमजोरी क्या है, कौन सी सीटें कमजोर हैं और कहां हम मजबूत हैं। इस तरीके से कैटेगराइज पार्टी पहले ही कर चुकी है सीटों को, अब इसके बाद मंथन की बारी। हालांकि बीते दो चुनाव में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें प्रदेश में जीती हैं, लेकिन 2019 में आरएलपी के साथ गठबंधन था, लेकिन बिना गठबंधन के इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है और ऐसे में पूरी की पूरी सीटें, 25 की 25 सीटें एक बार फिर से हासिल करने के साथ साथ ऐतिहासिक जीत कायम करनी है। मंथन शुरू हो चुका है और यह सिर्फ भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जनसंवाद किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, सभी की नजर इसी बैठक पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे बीकानेर, उस समय भी उन्होंने फीडबैक लिया था, क्योंकि फीडबैक पहुंच चुका है, चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब मंथन इस बात को लेकर कि कैसे, कौन सी सीट से किस उम्मीदवारों को उतारा जाए। अगले एक दो दिन में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दरअसल एक एक सीट पर कई नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिनमें से कौन सा दावेदार मजबूत है उसको लेकर मंथन। ऐश्वर्य प्रधान फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि अलग अलग स्टेट को लेकर बैठक हो रही है दिल्ली में, लेकिन राजस्थान को लेकर क्या जानकारी है, क्या पार्टी की रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आ सकती है। देखिए, सूचियों को लेकर लगातार प्रतीक्षा है। जय दूसरे राज्यों की अगर बात करते हैं तो उनसे परे राजस्थान की राजनीतिक स्थितियां हैं। अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन के कामों के बूते पर अब 25 की 25 सीट जीतने का दावा किया है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर और राम मंदिर जैसे फैसले समेत अन्य फैसलों को लेकर बीजेपी के नेता इस बात से आश्वस्त है कि उनकी 25 सीटें उनके द्वारा जीती जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी बात यह है कि सीटों पर मजबूत कैंडिडेट भी उतारने होंगे, चेहरे ऐसे हों जो कि अपने आप में मजबूत हों, चेहरों को लेकर चर्चा है। इससे पहले राजस्थान की पूरी टीम, खुद वसुंधरा राजे भी थी उसमें, जो भजनलाल शर्मा ने बैठक ली थी उनके घर पर हुई थी। सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा दोनों ने बैठक ली थी, उसमें राजेंद्र राठौड़ खुद आए थे और सतीश पूनिया, विजय राहटकर और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत पूरी टीम थी, सारे लोग उस बैठक में आए थे। कल सामान्य तौर पर बातचीत हुई थी, कोर कमेटी नहीं थी लेकिन कोर टीम के लोग एक साथ बैठे थे। बैठने के बाद कुछ सीटों को लेकर विचार विमर्श हुआ, लेकिन एक चीज तय मानकर चलिएगा कि केंद्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम के लोग इस फैसले को छोड़ेंगे, वो अपने लिहाज से कुछ सीटों को लेकर स्थितियां बताएंगे कि इस सीट पर इन स्थितियों में किसे टिकट दिया जा सकता है। लेकिन नाम जो है, आप मानकर चलिए कि शुरुआती तौर पर
कुछ एक नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव समिति भी अब होनी है, कुछ घंटे रह गए हैं, तो चुनाव समिति से पहले राजस्थान की भी पूरे देश भर की एक लिस्ट आए, तो राजस्थान के कुछ नाम भी उस फहरिस्त में आए। तो हम बता रहे थे कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सभी जानते हैं कि उनको टिकट मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत बड़े नाम है देश के, जिनमें ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल है कानून मंत्री है, कैलाश चौधरी है कृषि मंत्री है, डॉक्टर टीपी जोशी है जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, टीपी जोशी का नाम अपने आप में आज बहुत बड़ा नाम है। तो बाकी के अगर इस पूरी सूची पर गौर फरमाते हैं तो बाकी के नामों को लेकर क्या, जयपुर ग्रामीण में कौन होगा, जयपुर शहर में कौन होगा, और उन सब के अलावा करौली और धौलपुर ये सीट ऐसी है, ये चुनौती है। दौसा और नागौर तो बहुत बड़ी चुनौती मानकर चलती है अब तक आने भारतीय जनता पार्टी, लेकिन करौली धौलपुर के अलावा टॉप सवाई माधोपुर में क्या मीणा को दिया जाए या फिर गुर्जर को दिया जाए, दोनों में किस जात पर दाव खेला जाए। तो वही दूसरी सीटों की तरफ अगर हम जाते हैं तो दूसरी सीटों की क्या है ये भी देखा जाए, क्योंकि बांसवाड़ा में क्या जीत सिंह मालवीय को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बड़ी बात, क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, क्या महेंद्र सिंह मालवीय के टिकट दिए जाने से डूंगरपुर और उदयपुर ग्रामीण जो है वहां पर कोई अच्छा कैंडिडेट जीत जाएगा या उससे फर्क पड़ेगा, वोटों में बढ़ोतरी होगी ये देखने वाली बात है। खजारा और तिरोही में देवजी पटेल पर वापस दाव किया जाता है या दुब्बाराम जैसे व्यक्ति को या दाना राम अलग से मांग रहे हैं वो अलग बात है, वो बगावत पंच से सबके सामने आई वो अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन क्या यह बिल्कुल नया आदमी को दिया जाता है ये देखने वाली बात। फिर आप और आगे चले जाइए अजमेर में क्या भागीरथ चौधरी पर वापस विश्वास कर दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाएगा, किसी जाट बड़े नेता को लाया जाएगा या राजसमंद में किसी बड़े राजपूत नेता को लाया जाएगा या वही जो पिछले दिनों दो नाम आए थे उनकी उनको लेकर चर्चा हो, लेकिन मुझे तो इस पूरी फहरिस्त में लगता है सूची में नहीं आए, लेकिन अगली सूची में जो मुझे लगता है दो या तीन नाम ऐसे होंगे पार्टी को जरूरत होगी, पार्टी को प्रवास करवाएगी, पार्टी जिनमें की राजेंद्र राठौड़ एक बड़े ट्रबल शूटर और रणनीतिकार माने जाते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ को पार्टी कहीं ना कहीं से टिकट देगी ऐसा हमें लगता है। सतीश पूनिया संगठन में वर्षों काम किए हैं, संगठन बहुत अच्छी जानकारी है, तो सतीश पूनिया को भी पार्टी संगठन में खपाएगी, उससे पहले उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है ऐसा अंदेशा है जानकारी। रामलाल शर्मा जैसे व्यक्ति को उतारा जा सकता है, यहाँ के संगठन में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, श्रवण सिंह बगड़ी है, मुकेश राज है, ये लोग भी टिकट मांग रहे हैं, तो वही अन्य जो पदाधिकारी को लगातार टिकट मांग रहे हैं, जो मैं यहाँ पर नाम एक एक का जिक्र करूँ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं दौसा ऐसे जहाँ पर की भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, दौसा आसान नहीं है, तो दौसा में साधना हालांकि किरोड़ी लाल मीणा साधने में माहिर है साथ लेके, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सामने बड़ा प्रश्न ये कि मजबूत आदमी कौन, यहाँ पर बहुत सारे नाम चल रहे हैं, पूरे शहर को पोस्टरों से पाट किया गया है, कई तो ऐसे नाम है जो जिन पर सवालों के घेरे लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई है जगमोहन मीणा उनके नाम की चर्चा सर्वाधिक चलती है, और वो सर्वमान्य और बड़े विनम्र से और मिलनसार व्यक्तित्व के नेता है जो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पार्टी उन पर उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा है तो वही राजेंद्र मीणा है, तो ऐसे में पार्टी क्या फैसला करती है, क्योंकि सबसे मजबूत को लेकर जब चर्चा चल निकलती है तो जगमोहन मीणा पर आकर सुई ठहर जाती है, वही हालांकि और दूसरे मीणा नेता भी जो अपने आप में दावा जता रहे हैं, इन सब के अलावा क्या हारे हुओं को टिकट दे दिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हारे हुओं को दे दिए जाते हैं, एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं कि कई बार उम्र की सीमा है उसे क्रॉस करना पड़ता है, किसी की उम्र है वो ज्यादा है, लेकिन ऐश्वर्य हारे हुए को अगर मौका दिया जाता है तो इसकी क्या वजह फिर हम माने, देखिए हार भी दो तरीके की होती है, एक तो हार ऐसी कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही हो, और एक ऐसी हार होती है कि सियासी गणित में हार जाता है, क्योंकि राजस्थान में इस बार का विधानसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव से ज्यादा जातीय महायुद्ध नजर आ रहा था, लग रहा था कि इसमें जातियां आपस में इतना जबरदस्त एक दूसरे के प्रति जो वोटिंग हो रही थी उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था, इसलिए कई दिग्गज हार गए और कई ऐसे चेहरे जीत गए जिनको लेकर उम्मीद नहीं थी, तो ऐसे में केंद्र जानता है कि ये जो चुनाव है तो टोटली प्रधानमंत्री मोदी अकेले, अगर इस बात में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल ऐश्वर्य केंद्र सब कुछ जानता है, फैसला लेना है, लेकिन फैसले से पहले उच्च स्तरीय मंथन हो रहा है, क्या कुछ रहेगा आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।